वैसे तो इंसानों पर आक्रमण के लिए व्हाइट शार्क बहुत फेमस है। इसे समुद्र का सबसे खतरनाक जीव भी माना जाता है, लेकिन दुनिया में कुछ ऐसी भी मछलियां हैं जो शार्क से भी खतरनाक है और इन्हें समुद्र का दानव कहना गलत नहीं होगा। आज हम ऐसी मछलियों को एक्सप्लोर करने वाले हैं, बस आप वीडियो के एंड तक बने रहिए। कैंडिरू फिश। ये मछली ना सिर्फ खतरनाक बल्कि बहुत जहरीली भी होती है। अमेजोन नदी में पाए जाने वाली ये मछली छोटी मॉन्स्टर के नाम से भी जानी जाती है। यह पेंसिल के आकार के दिखने के वजह से इसे पेंसिल फिश के साथ साथ विम्पायर फिश के नाम से भी जाना जाता है। ये मछली इतनी खतरनाक होती है कि शरीर के किसी भी नाजुक हिस्से पर अटैक करके सीधे बॉडी के अंदर घुस जाती है, जिसके कारण किसी भी इंसान या जीव की मौत हो सकती है। इलेक्ट्रिक रे। इलेक्ट्रिक रे दुनिया में पाए जाने वाली इलेक्ट्रिक प्रजातियों में से एक है। ये करीब 800 से 220 वोल्ट तक के बिजली के झटके को दे सकती है। हालांकि ये झटके इस पर निर्भर करती है कि ये शिकार के लिए है या फिर बचाव के लिए। इस इलेक्ट्रिक रे के शरीर में लीवर के आकार के दो इलेक्ट्रोजेनिक अंग होते हैं। यह मांसपेशियों से बिजली का उत्पादन और भंडारण कर सकती है। इलेक्ट्रिक रे शिकारियों के खिलाफ और बचाव के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह ज्यादातर मिट्टी और रेत के नीचे रहती है। इसका गहरा भूरा रंग इसे पानी में छिपने में मदद करती है। लायन फिश। यह मछली ज्यादातर अटलांटिक महासागर में देखने को मिलते हैं। यह जेबरा की तरह दिखने की वजह से इसे जेबरा फिश भी कहा जाता है। इस मछली की लंबाई करीब 4 से 45 सेंटीमीटर और वजन 1.3 केजी तक हो सकता है। यह मछली जहरीली मछलियों में से एक है। यह मछली अगर किसी इंसान को काट ले तो इसकी जहर की वजह से इंसान के शरीर में पूरा दर्द और सांस लेने के तकलीफ के साथ साथ काफी उल्टियां भी हो सकती है। पफर फिश। यह मछली दिखने में सुंदर तो लगती है, लेकिन इसकी सुंदरता धोखा हो सकता है, क्योंकि यह फिश जहरीले जीवों में से एक है। यह चाइना, मेक्सिको और जापान में पाई जाती है। यह मछली आकार में ज्यादा बड़ी नहीं होती। अगर इसकी उम्र की बात की जाए तो ये लगभग 10 साल तक ही जीवित रह सकते हैं। इस मछली में साइनाइड से भी खतरनाक जहर होता है, जिसके कारण कोई भी इंसान या जीव पैरालाइज्ड हो सकता है। इलेक्ट्रिक ईल। अमेजोन की नदियों में पाई जाती है। इसके शरीर में भी इलेक्ट्रिक रे की तरह बिजली उत्पादन करने की शक्ति होती है। यह मछली एक बार में करीब 600 वोल्ट तक की बिजली की झटके दे सकती है। इसके शरीर में इलेक्ट्रोसाइट्स नामक 6000 से भी ज्यादा विशेष प्रकार की कोशिकाएं होती है। यह चाहे तो एक झटके में ही किसी भी जीव के प्राण पखेरु उड़ा सकती है। वेल्स कैटफिश। वेल्स कैटफिश अक्सर फ्रेश पानी में पाई जाती है। अगर इसकी लंबाई की बात करें तो इसकी लंबाई करीब 5 फीट तक हो सकती है और वजन 150 केजी से भी ज्यादा हो सकती है। इसे कई बार गर्म झीलों में भी देखा गया है। यह मछली मेढक और पानी में रहने वाले दूसरे जीवों को अपना भोजन बनाती है। वेल्स कैटफिश आक्रामक मछलियों में से एक है। इसके रेजर जैसे नुकीले दांत होते हैं। आक्रमण होने पर ये इंसानों पर भी हमला करने में बाज नहीं आते। इसका आकार और तेज दांत इंसानों के लिए एक बड़ा खतरा हो सकता है। बॉक्स जेलीफिश। ये मछली एशिया, कैलिफोर्निया, जापान, न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के समुद्र में पाई जाती है। ये मछली पानी में 7.5 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से तैर सकती है। इसका पारदर्शी शरीर होने के कारण इसे पानी में देख पाना काफी मुश्किल होता है। यह मछली नेमेटोसाइट नामक जहर पैदा करती है, जिससे पहले इंसान का दिल धड़कना बंद हो जाता है, फिर दिमाग की तरंगे काम करना बंद कर देती है और फिर मौत हो जाती है। तो ये थे समुद्र के दानव कहे जाने वाले कुछ मछलियाँ। आज की वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं ऐसे किसी मजेदार वीडियो के साथ। अगर आपको यह वीडियो पसंद आता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और हमारा मनोबल बढ़ाएं। अभी तक आपका इस वीडियो पर बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।